ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं वैशाली। नामधारी संप्रदाय के मुखिया रहे स्वर्गीय सदगुरु जगजीत सिंह जी की धर्मपत्नी और गुरु माँ चंद कौर की हत्या का मामला 4 साल बाद भी हल नहीं हो सका है। चाहे पंजाब सरकार की तरफ से इस हत्याकांड की जांच सीबीआई के सुपुर्द क्यों न कर दी गई हो, लेकिन 4 साल बाद भी ये केस अनसुलझा है, जिस कारण नामधारी संप्रदाय में रोष है। जिसके चलते नामधारी संगत की तरफ से गुरदासपुर में रोष मार्च निकाला गया और माता चंद कौर के कातिलों को पकड़ने के लिए एडीसी तजिंदर पाल संधू को केंद्र सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2016 को श्री भैणी साहब में माता चंद कौर अपने ड्राइवर के साथ स्कूल का दौरा करके वापस लौट रही थी, जहां 2 बाइक सवार नौजवानों ने माथा टेकने के बहाने उन्हें गोली मार दी। माता चंद कौर को गंभीर हालत में SPS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन माता चंद कौर की हत्या को 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक CBI की तरफ से कातिलों को नहीं पकड़ा गया है। रोष प्रदर्शन कर रही संगत का कहना था कि कत्ल के समय अकाली सरकार की तरफ से CBI को जांच सौंपी गई थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है और सियासी दबाव के चलते जांच आगे बढ़ रही है और कातिल अभी भी भैणी साहब में ही मौजूद हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। वहीं संगत का कहना था कि माता चंद कौर का कत्ल साजिश के तहत किया गया था और जांच को भटकाने के लिए कातिलों की भेष बदलवा कर माता का कत्ल कराया गया था। उनका कहना था कि अगर इंसाफ ना मिला तो अपने इस संघर्ष को और तीखा किया जाएगा। तो आज की संघर्ष किया गया, संघर्ष कल तक जारी रहेगा। संघर्ष इस तरह जो अभी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कर रहे हैं, सारे DC साहब मंग पत्र दिते हैं, अब पंजा जिले, बाकी जिले भी इसी तरह ही दिते जाएंगे और असी ये संघर्ष उन्नी देर तक जारी रखांगे जिनी देर तक माता जी के कातल जड़े ने वो सलाखों के पिछे ना होंगे। और ये संघर्ष जरा होर भी तेज़ किया जाएगा। असी भारत सरकार नूं DC साहब के माध्यम राही ये बेनती करने कि छेती 4 साल अजे हो गए ने माता जी के कातल जड़े गिरफ़्तार नहीं होए और कातल भैणी साहब के अंदर ने कितने बाहर नहीं, उन्होंने कोई पुछगिछ ही नहीं अज तक हुई। सब तो माड़ी गल एक बिरध अवस्था में जो माता जी सेवा सिमरन की मूर्ति सन, जिन्होंने हज़ारा गरीबों के घर वसाए और सेवा की, उन्होंने घर में ही कतल किया गया। सब तो माड़ी गल यह है पंजाब दे विच 5 जगह यह प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे थाई DC साहब नूं मंग पत्र दिते आ। इत्थे गुरदासपुर दे विच, कपूरथले दे विच, हुशियारपुर दे विच, अमृतसर ते तरनतारन, इहदे विच पूरी दी पूरी गेम हंसपाल जी ने, वो सीनियर लीडर ने कांग्रेस दे, कांग्रेस दे विच दबदबा रखते ने। पर सानू इत्थे एक शक होर जाहर हुंदा है, जदों सेंटर दे विच BJP दी सरकार है उत्थे भी वह आपका प्रभाव वरत रहे हैं, उत्थे भी उन्होंने प्रभाव में कबूलिया जा रहा है। चाहिदा यह है भी जिथे कतल हुंदा है उत्थे पासे आसे पुनछाण की जाती है, पर उत्थों तां पुछताछ ही नहीं करी गई। उन्होंने बहकावे च आ के जिहड़े उन्होंने 50 वाले सिख दिखा दिते, पगां वाले पेंटां वाले दिखा दे, उन्होंने बहकावे च आ के पासे ही तुरे फिरते हैं। जबकि जिथे साडी मंग यह है भी जिहड़े माता जी दे कतल करन वाले कतल करन वाले ने वह भैणी साहब दे विच ने। आपको बता दें कि माता चंद कौर की हत्या को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जिनका अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं मिला। पहला सवाल तो ये है कि उच्च सुरक्षा वाले इलाके में बाइक सवार 2 नौजवान पिस्तौल के साथ कैसे पहुंचे? दोनों कातिल डेरों के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरे की कैद में क्यों नहीं आए? हत्या के दिन माता चंद कौर के साथ सुरक्षाकर्मी नहीं थे, इसकी जानकारी कातिलों को कैसे लगी? CBI ने दोनों संदिग्धों के स्केच अलग अलग मीडिया में भी दे दिए हैं, जिससे आरोपियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन फिर भी कातिल कानून की मजबूत पकड़ से बाहर हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।